सफलता का रहस्य, मोटिवेशन स्टोरी है सफलता का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य। क्यों पढ़े ये कहानी हम ब्रेन क्यों पढ़े? श्री स्वामी समर्थ क्यों पढ़े? हमारे कई सपने हैं जो हमें पूरे करने हैं, बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की। यह कहानी आपको सफलता के उस रहस्य का बोध कराएंगी जो आपको आपकी सफलता के पथ पर आगे बढ़ने में आपका सच्चा साथी बनेंगे, एक ऐसा साथी जो आपके लक्ष्य को भटकने नहीं देंगे। सफलता का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अब मैं कहानी शुरू करती हूँ, बहुत मोटिवेशन है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी इस संसार में ऐसा क्या है जिसकी प्राप्ति से लोग सफल हो जाते हैं? सफलता का रहस्य क्या है गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, अगर तुम असल में सफलता का रहस्य जानने को इच्छुक हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले कुटिया के पास वाले तालाब में आ जाना। शिष्य ने ठीक ऐसा ही किया। वह रात पर ठीक से सो भी नहीं पाया। वह उत्सुक था कि गुरुजी उसे सफलता के उस रहस्य से अवगत करेंगे जो वह जानने को कब से है व्याकुल था। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो गुरुजी ने पहले वहां पर उपस्थित थे पूजा पाठ कर रहे थे। शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया, फिर गुरुजी ने उसे अपने साथ तालाब के पास वाले पत्थर पर ले गए और अचानक से गुरुजी ने पत्थर पर शिष्य को तालाब में धकेल दिया। तालाब में गिरते ही शिष्य विचलित हो उठा। वह तैरने की कोशिश करने लगा, पानी में हाथ पैर मारने लगा। गुरुजी जानते थे कि वह तैरना नहीं जानता है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। शिष्य अपनी पूरी कोशिश करने लगा, अपना पूरा दमखम लगाने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ गुरुजी बचाओ। वह यह सुनकर बाकी शिष्यगण भी वहाँ पहुँच गए। अपने सहपाठी को डूबता देखकर वह सब ने गुरु जी के साथ मिलकर उसे तालाब से बाहर निकाला। शिष्य ने जोर जोर से सांस लेते हुए कहा, गुरुजी मैं तो बस आपसे सफलता का रहस्य जानने चाहता था, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आखिर ऐसा भी क्या भूल हो गई मुझसे? गुरुजी ने कहा, देखो बस जब तुम पानी में गिरे और डूबने लगे तो उस वक्त तुम्हारा सबसे जरूरी काम था। काम क्या था? शिष्य ने कहा, मैं तैरने की कोशिश करने लगा और जोर जोर से सांस भी लेने लगा। गुरुजी ने कहा, क्या तुम असल में तैरना जानते थे? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, यह जानते हुए भी कि तुम तैरना नहीं जानते फिर भी तुमने तैरने की कोशिश की, तुम ये जानते थे कि तुम बच नहीं पाओगे फिर भी तुमने अपना प्रयास जारी रखा, क्योंकि तुम्हारा उस समय सबसे ज़रूरी काम कैसे भी करके अपनी जान बचाना था और इसके लिए तुमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हाँ गुरुजी आपने सही कहा, शिष्य ने कहा, यही सफलता का रहस्य जिसे जानकर भी लोग अभिन्न रहते, एकाग्रता फोकस। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था उस समय कि कैसे भी करके मैं अपनी जान बचाऊ। तुम्हारा ध्यान उस वक्त एक पल के लिए भी कहीं नहीं भटका, तुम एकाग्रिक हो गई और थे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैं समझ गया गुरुजी। और उसने गुरु के चरणों को अपने माथे पे से स्पर्श किया। गुरुजी ने शिष्य को गले से लगा लिया और अपने सभी शिष्यों से कहा, यही सफलता का रहस्य है, गुरु मंत्र है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति को एकाग्रित रहता है उसे इस संसार की कोई भी शक्ति उसके लक्ष्य से भटका नहीं सकती। कहानी से क्या सीख मिलती है? इसका एक उदाहरण हम सर इलान मक्स के जीवन से देख सकते हैं कि कैसे उसकी एकाग्रता इतनी प्रबल रही कि लगातार कई असफलता के बावजूद उसको उसके लक्ष्य प्राप्ति से हटा नहीं सकी। और वर्ष 2016 में उन्होंने एक ऐसा रॉकेट का आविष्कार कर दिया जो स्पेस में जाकर वापस धरती पर लौट गया, जिसका नाम फोल्कन 9 रख गया। अगर आप भी सफलता प्राप्ति की जिद में हो तो अपने शरीर और आत्मा को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करें। आज और अभी से एकाग्रित हो जाए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मंजिल उन्हें को मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है वो जिद पर अड़े रहते।
आपको बस अपने लक्ष्य को अपनी कॉपी, फ़ोन और दीवार में छाप लेना चाहिए। रोज़ ऐसा काम करें जो बहुत ज़रूरी है उस लक्ष्य को पाने के लिए। ओके, श्री स्वामी समर्थ। हमें कहानी से ये सीख मिलती है कि सफलता का रहस्य फोकस है, लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, लक्ष्य की ओर ही देखना चाहिए। हमें क्या करना है, यही सफलता का रहस्य है। श्री स्वामी समर्थ।